हेलो स्टूडेंट, स्वागत है कक्षा 8वीं गणित की इस वीडियो चैनल में। हम इस वीडियो में 1 से 10 तक संख्या का वर्ग निकालेंगे और उससे वर्ग संख्याओं के कुछ गुण को समझेंगे कि वो क्या खासियत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि मैं 1 लेता हूँ तो इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करना है। वर्ग निकालने के लिए 1 के साथ 1 का ही गुना करते हैं, जैसे कि हमने पहले जान लिया था। तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना होता है, 1 होता है। इसी तरीके से यदि मैं संख्या 2 लिया हूँ तो 2 के साथ 2 का गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 का वर्ग क्या है, 4 है। इसी तरीके से यदि हम 3 लेते हैं तो 3 के साथ क्या करना पड़ेगा, 3 का ही गुना करना पड़ेगा, तो 3 तिया 9। 4 के साथ क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ 4 का ही गुना करोगे तो 4 चौक 16। 5 लोगे तो 5 के साथ 5 का ही गुना करोगे तो 5 एम 25। इसी तरीके से 6 लेंगे, 6 गुना 6 करेंगे तो 36। 7 लेंगे, 7 गुना 7 करेंगे तो 49। 8 लेंगे तो 8 गुना 8 करेंगे तो 68 64। और 9 लेंगे तो 9 गुना 9 तो फिर क्या हो जाएगा, 81। और जब 10 लेंगे तो 10 गुना 10 तो ये हो जाता है आपका 100। ये तो हो गया कि 1 से 10 तक के संख्याओं का वर्ग। कभी भी जब हम वर्ग संख्या को पढ़ते हैं कक्षा 8वीं में, तो हमको ये पता होना चाहिए यहाँ तक कि 1 से 10 तक के संख्याओं का जो वर्ग होता है वो मौखिक रूप से हमको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम जो है कि इसके आगे के क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, इसको देखने से हमें कुछ और चीज़ें की एनालिसिस कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। वो क्या चीज़ है उसको देखिए। यदि हम वर्ग संख्याएं 1 से लेके 10 तक के वर्ग संख्याओं का एनालिसिस करें तो इकाई में क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिए। 1 यहाँ पर भी इकाई में 1 है तो ये कवर हो गया। उसके बाद आ जाता है 4, यहाँ पर भी 4। फिर उसके बाद आ जाता है 6, देखिए यहाँ पर 6 है, ये 5 और ये आपका 9 और ये 00। तो जो वर्ग संख्या होती है उसकी इकाई में क्या क्या हो सकता है उसको देखिए। वर्ग संख्या के इकाई में एक, चार, पाँच, 6, 9 और 00 हो सकते हैं। अब ये हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता उसको देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 और 4 के बीच में क्या क्या बच गया है, 2 और 3। उसके बाद 4 के बाद आ जाता है 5, 5 के बाद आ गया 6, 6 के बाद 7 और 8, 7 और 8। ये जो 4 संख्याएं हैं किसी भी वर्ग के इकाई में नहीं आ सकते। ये जो 4 संख्याएं हैं 2, 3, 7 और 8 किसी भी वर्ग संख्या के इकाई में नहीं आ सकते, किसी भी वर्ग संख्या के इकाई में नहीं आ सकते। तो यहाँ पर दो चीज़ें समझ आती है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। पहली बात तो, यदि किसी भी संख्या के इकाई में 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या वर्ग संख्या नहीं हो सकता। यहाँ पर जब हम वर्ग संख्या बात करते हैं तो ध्यान दीजिए कि ये जो वर्ग संख्या है वो किसी पूर्ण संख्या का वर्ग है, ठीक है ना। किसी दशमलव संख्या का या परिमेय संख्या का वर्ग की बात हम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यदि किसी संख्या के इकाई में 2, 3, 7, 8 है तो वह संख्या किसी भी शर्त में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, किसी भी शर्त में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। अब इसको समझिए, यदि किसी के इकाई में 1, 4, 5, 6, 9 या 00 है, ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
कोई कंपलसरी नहीं कि वो पूर्ण वर्ग होगा ही। पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है? किसी पूर्ण संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। अभी इसी चीज को मैं समझा रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको लिख दूं, क्योंकि लिखा हुआ चीज ज्यादा अच्छे से समझ आता है ना। अब ध्यान दीजिए कि पूर्ण वर्ग के इकाई में 2, 3, 7, 8 संख्याएं नहीं हो सकती है। इसका मतलब है यदि किसी भी संख्या के इकाई में 2, 3, 7, 8 है तो वो पूर्ण वर्ग कदापि नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ पर 12 है या 22 है, ठीक है, इसी तरीके से मान लो 43 है या 47 है या फिर 58 है, तो इसको अपन को किसी तरीके से जांचने की जरूरत नहीं है। इसको क्या है, जांचने की जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्टली बता सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी इकाई में 2 है या 3 है या 7 है या 8 है, क्योंकि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम डायरेक्टली इसको बता सकते हैं कि ये वाला पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसमें बता सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट तो समझ आ गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हमने ये बोला कि पूर्ण वर्ग के इकाई में 1, 4, 5, 6, 9 या फिर 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ये है क्या कि 1, 4, 5, 6, 9 होने से वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ये कंफर्म हो जाता है? तो ऐसा भी नहीं है। यदि इकाई में 1, 4, 5, 6, 9, 0 हो तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उस समय आपको उसको जांचने की जरूरत होती है। इसको समझिए, जैसे कि 1 को हम पूर्ण वर्ग कहते हैं क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है, 1 पूर्ण वर्ग है, लेकिन देखो यहाँ पर 11, 11 के इकाई में 1 है लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरीके से 16, 36 ये पूर्ण वर्ग है, इसके इकाई में देखिए 6 है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर यदि मैं बात करूँ 26 की या फिर बात करूँ 46 की, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसी तरीके से देखिए 9, 9 जो है कि पूर्ण वर्ग है लेकिन 19 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझना होगा कि यहाँ पर यदि इकाई में 2, 3, 7, 8 है तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन यदि इकाई में 1, 4, 5, 6, 9, 0 हो तो अपन डायरेक्टली नहीं बता सकते कि वह पूर्ण वर्ग है या नहीं है, वहां पर हमको उसको जांच करने की जरूरत होती है। आइए अब हम ये जानते हैं कि इकाई की शून्यों को देखकर किस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट फैक्ट की बात करूँगा, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, फिर भी ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि किसी संख्या की इकाई में शून्य की संख्या सम हो तो वह पूर्ण वर्ग होती है। यदि किसी संख्या के इकाई ओर से लगातार शून्यों की संख्या सम में हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूं 4, 5, 0, 0 या फिर 1, 3, 5, 0, 0, 0 या फिर 1, 7, 5, 0, 0। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर इकाई साइड से लेना है, ठीक है। तो यहाँ से 1, 2, यहाँ पर शून्य की संख्या कितनी है, 2 है, और 2 कैसी है, सम है। तो इसका मतलब क्या है कि 1, 4, 5, 0, 0 ये क्या है, आपका पूर्ण वर्ग है, ठीक है, ये क्या है, आपका पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर ध्यान दीजिए पीछे साइड से
1, 2, 3, यहाँ पर लगातार शून्यों की संख्या कितनी है? तीन है। अब ये तीन क्या है? विषम है, ठीक है। तो ये जो है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, याद रखेंगे कि पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर शून्यों की संख्या जो है कि सम नहीं है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर शून्य की संख्या क्या है? सम है। तो ये वाला क्या है? आपका पूर्ण वर्ग है। आपको क्या करना है कि देखना है यदि शून्यों की संख्या जोड़े में हो, जैसे कि ये जोड़े में है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर यदि हम जोड़ा बनाते हैं तो ये वाला क्या हो जाता है? छूट जाता है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझना कि यदि यहाँ पर जीरो हो, यहाँ पर इस तरीके से हो, तो कैसे? इसको नहीं गिनना है भैया, अपन को पीछे से लगातार जीरो को ही गिनना है, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार जीरो की संख्या क्या है? दो है, और यहाँ पर जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पर कोई भी जीरो एकड़ा नहीं है, तो ये वाला क्या है? आपका पूर्ण वर्ग है। लेकिन यदि यहीं पर ऐसा हो ऐसे, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हम सिर्फ शून्यों की संख्या को गिनकर भी ये बता सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है।